तो मिनिस्टर का कहना यह था कि MTNL BSNL को प्रॉफिट में लाने की लायबिलिटी एम्प्लॉइज की है, पॉलिसी वो बनाए, रॉन्ग पॉलिसीज वो बनाए और रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज की, राइट को लेने के लिए फाइट करना पड़ता है। ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 4 साल तक पेंशन रिवीजन इसी बात पे अटकी रही कि अभी पे रिवीजन नहीं हुआ है और पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन होगी। उस वक्त के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के टाइम में पार्लियामेंट में कितनी दफा गवर्नमेंट ने, जब भी ये सवाल उठता था पार्लियामेंट में कि MTNL BSNL के एम्प्लॉइज के जो पेंशनर्स है उसके पेंशन रिवीजन का मुद्दा जब भी उठता था तो बार बार एक ही बात आती थी कि विदाउट पे रिवीजन पेंशन रिवीजन इज नॉट पॉसिबल। और जब पेंशन पे रिवीजन की बात आती थी कि वो कब होगा, जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई रविशंकर प्रसाद जी से प्रहलाद जोशी जी के कमरे में, उस वक्त उन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज, क्योंकि कंडीशन है एक जो PRC की रिकमेंडेशन होती है उसमें जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है कि कोई भी PSU की अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है कि उसको वो पे रिवीजन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो मिनिस्टर का कहना यह था कि MTNL BSNL को प्रॉफिट में लाने की लाइबिलिटी एम्प्लॉइज की है, पॉलिसी वो बनाए, रॉन्ग पॉलिसीज वो बनाए और रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज की। इससे ज्यादा शेमफुल सिचुएशन क्या हो सकती है भाई? आप लोग जो ऊपर से पॉलिसी बनती है उसके सिंपली एग्जीक्यूटर है, वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर। और बाद में सारा का सारा ठीका एम्प्लॉइज के ऊपर फोड़ दिया जाए और उसके साथ साथ पेंशनर्स को भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट पेंशन हमारी है उसका MTNL BSNL की फाइनेंशियल लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी रूल 37A में, सिस्टम पेंशन रूल 37A में जो अमेंडमेंट हुई उसमें क्लियर मेंशन है जो पेंशन रिवीजन है इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और हमारा जैसे पहले पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि ऑलरेडी वी हैव पेड पेंशन कंट्रीब्यूशन एट मैक्सिमम ऑफ स्केल, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पेंशन कंट्रीब्यूशन जाता है वो एक्चुअल बेसिक आप जो ड्रा कर रहे हैं, बेसिक पे ड्रा कर रहे हैं उसके ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन जाता है। तो साथियों, आज जिस तरह से हम लोग 60, 70, 80, 90 की एज में सड़कों पे पिछले 6 साल से अपने पेंशन रिवीजन की जो लेजिटिमेट राइट है, जो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इट इज नॉट अवर डिमांड, इट इज अवर लेजिटिमेट राइट, और उस लेजिटिमेट राइट को कोई स्नैच नहीं कर सकता और राइट को लेने के लिए फाइट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहां सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, DOT का। मैं इस चीज से सहमत नहीं कि DOT के ऑफिसर्स इतने बड़े हो गए कि वो पेंशन रिवीजन के इश्यू को लेकर बैठे रहे, मिनिस्टर की एश्योरेंस के बाद भी लेकर बैठे रहे 5-6 महीने से। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी, जो भी यहां पर पेंशन रिवीजन का प्रपोजल बना था उसको लेकर मिनिस्टर के लेवल पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एक मीटिंग हुई थी, जो 15 मार्च को हमारी ऑलरेडी मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया था
और मेंबर फाइनेंस को हमारी प्रेजेंस में उनको बोला के भी आप इनका फिटमेंट वगैरह जो है बाकी मैक्सिमम फिटमेंट के बारे में जो है इनका आपके प्रपोजल बना के भेजिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर डीओटी में फाइल पेंडिंग है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ऊपर से जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, अगर मिनिस्टर की डायरेक्शन हो तो सेक्रेटरी या मेंबर सर्विसेज मेंबर फाइनेंस के लेवल पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो फाइल को अननेसेसरी रोक के बैठ जाए। तो साथियों हमें पूरी तरह से आगे के लिए संघर्ष के लिए भी तैयार रहना है। और एक चीज में और बता दूं आपको कि आप ये मत समझिए कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। जितना बड़ा इशू होता है उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। जो बड़ी चट्टान होती है ना उसको तोड़ने के लिए एक हैमर की जोर से नहीं टूटती है, दो हैमर की चोट से भी नहीं टूटती है, उसके लिए 10-12-15 हैमर की चोट लगानी पड़ती है तब जाके वो चट्टान टूटती है। तो ये इशू भी आपका, आप ये नहीं समझे कि हमने पहले फेज में किया गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना, दूसरे में फेज किया कुछ नहीं सुना। तो साथियों हर आपके संघर्ष का इम्पैक्ट, जैसे हथौड़े का इम्पैक्ट पहली जो लास्ट के हथौड़े का इम्पैक्ट होता है रॉक को तोड़ने के लिए, तो उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन पहली जो चोट है उसका होता है। तो पहली चोट कभी भी जाया नहीं जाती, आपका संघर्ष जाया नहीं जाएगा। आप लोग पूरा धैर्य के साथ और जिस तरह से आप लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस उम्र में भी, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बार बार हमारे पूर्व वक्ता आप लोगों का एज को याद दिला रहे थे, तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहां है। तो साथियों आप लोगों ने ड्यूरिंग योर सर्विस पीरियड बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कुछ अचीव किया है और आगे भी आपका वही एक्सपीरियंस पेंशन रिवीजन को लेने के लिए आपका संघर्ष आपका काम आएगा। और मैं तोमर जी खाली MTNL एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नहीं, वो MTNL का जो फॉर्म है BSNL MTNL का फॉर्म है उसमें वर्किंग और रिटायर्ड एसोसिएशन सभी वर्किंग एसोसिएशन और यूनियन उसमें सभी शामिल हैं, उस फोरम के चेयरमैन भी हैं। तो हमें MTNL की वर्किंग और वर्किंग एसोसिएशन यूनियन दोनों का हमें जो है पूरा सहयोग है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। पहले भी हमेशा जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे हैं, हमारे हर जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें उनका पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है, पूरा सहयोग रहा है और अनकंडीशनल सपोर्ट रही है। आज के लिए हमारे जो BSNL वर्किंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर मिस्टर हर्षुल, वो किसी एसोसिएशन के काम से आउट ऑफ दिल्ली हैं, अदरवाइज वो भी यहाँ पे होते, उनका भी हमें जो है अनकंडीशनल सपोर्ट है। तो मुझे एक रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है कि आप लोगों का जो जज्बा है और जिस तरह से आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस तपती गर्मी और ह्यूमिड मौसम में, आपके पेंशन रिवीजन के इशू को कोई भी स्नैच नहीं कर सकता, आपको 101% आपका पेंशन रिवीजन मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।